Hello students. Good morning. Standard fourth. Subject EVS. Chapter number twenty one. The world in my home. Student, today we will see about hard words of chapter number twenty one. So let's get started. Quarreling. Q u a r r e l l i n g. क्वैरलिंग मतलब झगड़ा आपस में तकरार करते हैं उसे कहते हैं क्वैरलिंग नेक्स्ट प्रोग्राम पी आर ओ जी आर ए डबल एम ई प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम नेक्स्ट एगर ई ए जी ई आर एगर मीन्स उत्सुक नेक्स्ट इज फेवरेट F A V O U R I T E फेवरेट मतलब पसंदीदा जो हमें पसंद होता है उसे कहते हैं फेवरेट नेक्स्ट इज़ हरिंग एच यू डबल आर वाई आई एन जी हरिंग मीन्स जल्दी करना हरिंग का मतलब होता है जल्दी करना नेक्स्ट इज़ डिफरेंस डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी ई डिफरेंस मतलब तफावत अंतर करना या फिर भेद करना तो इसका मतलब होता है डिफरेंस नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल टी आर ए डी आई टी आई ओ एन ए एल ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत जो पहले से जो चीज़ चली आती है उसे कहते हैं परंपरागत मीन्स ट्रेडिशनल नेक्स्ट इज ए जी आई ए एन टी जायंट डब्ल्यू एच डबल ई एल विल जाइंट विल मतलब झूला झुलने वाला जो विशाल पहिया होता है उसे कहते हैं जाइंट विल विल में बच्चे क्या करते हैं झूला झूलते हैं जो गोल गोल गुमता है नेक्स्ट इज़ मिस्टेक एम आई एस टी ए के ई मिस्टेक मतलब गलती नेक्स्ट इज पेड पी ए आई डी पेड मीन्स भुगतान करना नेक्स्ट इज़ रिमेंबर्ड आर ई एम ई एम बी ई आर ई डी रिमेंबर्ड मतलब याद आ गया नेक्स्ट इज़ टच टी ओ यू सी एच टच मतलब स्पर्श करना किसी चीज़ को हम छूते हैं तो उसे क्या कहते हैं टच मतलब किसी भी चीज़ को छूना नेक्स्ट इज इमेजिनेशन आई एम ए जी आई एन ए टी आई ओ एन इमेजिनेशन मतलब कल्पना करना कोई भी चीज़ होती है उसके बारे में हम कुछ विचार करते हैं कल्पना करते हैं सो दैट मीनिंग इज इमेजिनेशन नेक्स्ट इज पर्टिक्यूलर पी ए आर टी आई सी यू एल ए आर पर्टिक्यूलर मीन्स विशेष जो खास रूप से कुछ अलग होता है उसे क्या कहते हैं पर्टिक्यूलर नेक्स्ट इज क्लीनलीनेस सी एल ई ए एंड एल आई एन ई डबल एस क्लीनली मतलब स्वच्छता जो साफ चीज़ होती है साफ सुथरी तो उसे क्या कहते हैं क्लीनली जो स्वच्छता होती है उसे कहते हैं क्लीनली नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंटली एफ आर ई क्यू यू ई एन टी एल वाई फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार कोई चीज़ अगर बार बार होती है तो उसे क्या कहेंगे हम फ्रीकेंटली कहेंगे नेक्स्ट इज वॉलीबॉल वी ओ डबल एल ई वाई बी ए डबल एल वॉलीबॉल इट्स अ गेम द नेम ऑफ गेम इट इज़ अ वन टाइप ऑफ गेम वॉलीबॉल क्या है एक प्रकार की गेम है जो बॉल से खेले जाती है नेक्स्ट इज इनवाइटेड आई एन वी आई टी ई डी इनवाइटेड मतलब आमंत्रित नेक्स्ट इज वार्निंग डब्ल्यू ए आर एन आई एन जी वार्निंग मतलब चेतावनी नेक्स्ट इज एल्डर ई एल डी ई आर एल्डर मतलब जो बड़े होते हैं उन्हें कहते हैं एल्डर मीन्स जेष्ठ जो हमसे बड़े होते हैं उन्हें कहते हैं एल्डर लाइक हमारा जो अगर कोई भाई है या कोई बहन है तो वो हमसे बड़े हैं तो आर अवर एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर लाइक दैट नेक्स्ट इज डिसाइडेड डी ई सी आई डी ई एस डिसाइडेड मतलब फैसला करना नेक्स्ट इज एग्री ए जी आर डबल ई एग्री मतलब सहमत होना कोई भी बात हो उसमें हम सहमत है सो दैट मीनिंग इज एग्री नेक्स्ट इज प्लीड प्लीडेड पी एल ई ए डी ई डी प्लीडेड मतलब निवेदन करना किसी को हम कोई बात कहते हैं तो उसे कहना उसे क्या कहते हैं निवेदन करना सो दैट मीनिंग इज प्लीडेड सो स्टूडेंट Our hard words of chapter number 21 is finished here. So, you have to write 5 times with a good handwriting in our EVS notebook and learn also. Okay, student. Bye bye. Thank you.